टीम इंडिया ने जैसे ही धर्मशाला में इंग्लैंड को 5वें टेस्ट में पारी और 64 रनों से मात दी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एक बड़ा फैसला कर लिया। जय शाह ने बताया है कि BCCI ने टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत भारतीय खिलाड़ियों को टेस्ट खेलने के लिए मिलने वाली मैच फीस में गजब का इजाफा हुआ है। इस स्कीम के तहत खिलाड़ियों को मैच फीस के अलावा भी बोनस मिलेगा, जो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को कुछ पैमानों पर खरा उतरना होगा। इसे और सरल तरीके से समझाते हुए BCCI ने बताया है कि अगर एक सीजन में टीम इंडिया कुल 9 मैच खेलती है तो इन मैचों के 75% मैचों की संख्या 7 होगी और इन मैचों में प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने वाले खिलाड़ियों को 45 लाख रुपए प्रति मैच बोनस के तौर पर मिलेंगे। वहीं जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं होंगे उन्हें 22.5 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं 9 मैचों में से 50% मैचों यानी 5-6 मैचों में अगर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहता है तो उसे 30 लाख प्रति मैच रेगुलर मैच फीस के अलावा मिलेंगे और जो खिलाड़ी सिर्फ टीम में शामिल ही हो उसे 15 लाख प्रति मैच अलग से मिलेंगे। इससे कम वालों को पुरानी फीस ही दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 2022 और 2024 के सत्र के दौरान 10 टेस्ट मैच खेले तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रति मैच फीस अलग से मिलेगी, साथ ही उन्हें 4.5 करोड़ रुपए भी अलग से मिलेंगे। इसलिए उनकी टेस्ट क्रिकेट से ही 6 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक सत्र की 7 करोड़ की उनकी सालाना रिटेनशिप को जोड़ दिया जाए तो रोहित शर्मा की कमाई 13 करोड़ हो जाती है। जय शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है, साथ ही उन्होंने लिखा है कि ये स्कीम 2022-23 से ही शुरू हो गई है, यानी अब खिलाड़ी मैच फीस के अलावा भी टेस्ट मैच खेलकर बोनस रकम हासिल कर सकते हैं। जय शाह ने कहा है इस योजना से खिलाड़ियों को IPL के कॉन्ट्रैक्ट से भी कहीं ज्यादा कमाई होगी। ये दिखाता है कि IPL महत्वपूर्ण है लेकिन बायलेटरल क्रिकेट भी बहुत जरूरी है। इसमें कुल राशि 45 करोड़ खर्च होगी। BCCI की योजना IPL 2024 के बाद टेस्ट मैच फीस में बढ़ोतरी और इंसेंटिव स्कीम को लागू करने की थी, लेकिन बोर्ड ने धर्मशाला जीत के बाद यह ऐलान कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को वार्निंग दी थी। बोर्ड ने कहा था जो खिलाड़ी फिट है और नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा। इसके बावजूद ईशान किशन, कृणाल पंड्या और दीपक चहर जैसे कई खिलाड़ियों ने अपने स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेला था।